ना तो वो तुम्हें अपनाएगा और ना ही वो तुम्हें छोड़ रहा है। और अगर वो किसी भी वजह से तुम्हारा हमदर्द बनने का ढोंग कर रहा है ना, तो तुम भी वही ढोंग करके अपनी थोड़ी तकलीफें कम कर लो। अरे मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती, उसको देखना नहीं चाहती, और तुम चाहते हो मैं उसका रिश्ता लेने जाऊं? तो ठीक है, आप मत जाएं, मैं खुद मामू से बात कर लूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सितारा से। तुम शर्म नहीं आती अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए रिश्तेदारों का इस्तेमाल? एक मिनट बात सुनो, ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसका मैं फायदा उठा सकूं? बोलो, मुझे भी पता चले जरा। पहले सलार को मुझसे छीना और अब मेरे भाई को बेवकूफ बना रही हो? ये मेरे बेटे को उकसा रही है, और आप? आपके बेटे में ऐसा है क्या? शकल देखी आपने उसकी, मैं उसको उकसाऊंगी? हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़ी शहजादी हो ना, जो शहजादों की लाइन लगी हुई है तुम्हारे पीछे। क्यों, मेरा मंगेतर किसी शहजादे से कम है क्या? ये सबके सामने तमाशा लगा के कह देंगे कि हम इनका फायदा उठाएं। चलो यहाँ से। एक बात बताऊँ, आपकी ये जो दोस्त है ना, इंतहाई जाहिल और बेवकूफ लड़की है, जिसे ना बात करने की तमीज है, और इसे ये भी नहीं पता कि दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या होता है। और आपको बात करने की तमीज है? लोगों का पीछा करके अपनी दौलत के भरम मारकर उनको डराते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुजदिल नहीं हूँ, आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुजदिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश। तुमने अगर एक लफ्ज भी कहा ना, तो तुम्हारे घर आके तुम्हारा सर तोड़ के जाऊंगी मैं। अपने भाई के गले में ना पट्टा डाल के रखो। भाई क्या हो गया आपको? आप जानते भी हैं उसकी असलियत, फिर भी उसके पीछे पड़े।